हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउस ऑफ क्रिएटिविटी। आज हम बनाएंगे पुदीने की चटनी, मिंट लीव्स की चटनी। उसके लिए मैंने लिए है एक बाउल मिंट लीव्स, हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, एक जिंजर का टुकड़ा और चार लहसुन की कलियां। इसे हम मिक्सर में डालेंगे। पुदीना अच्छे से धो लेना है और पुदीना फ्रेश चाहिए। धनिया भी अच्छे से धो के हम इसे चॉप्ड करके डालेंगे। हरी मिर्च हम आप आपके स्वादानुसार इसमें डाल सकते हैं। इसे टुकड़े करके हरी मिर्च उसमें ऐड करनी है। हम लहसुन को भी ऐसे कट कर लेंगे और जिंजर को भी। और इस पे हम ऐड करेंगे एक टेबलस्पून जीरा। इसे हम अब ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में। इसे ग्राइंड करते वक्त पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। पहले इसे ही ग्राइंड करके लेना है और ज़रूरत के अनुसार हम इसमें पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे नमक। स्वादानुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और फिर से एक बार इसे थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे। आपको अगर गाढ़ा रखना है तो गाढ़ा रखिए, या पतला करना है तो थोड़ा पानी डाल के पतला भी कर सकते हैं। ये बन गई हमारी पुदीना चटनी। अभी हम इसे कांच के बाउल में निकाल लेंगे। ये बन गई हमारी पुदीना चटनी। हमने इसे ग्लास बाउल में निकाल लिया है। अगर आप इसे ग्लास की बोतल में फ्रिज में रखेंगे तो ये 8 दिन तक आपकी अच्छी रह सकती है। पुदीना गर्मियों के दिनों में फ़ायदेमंद रहता है, तो आप इसे एक बार बना के कांच की बोतल में फ्रिज में रख सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।